ये दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई सरकारी गवाह बन गए हैं शरद पी रेड्डी। गवाह बनने की याचिका जो है वो उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में दी थी, जिसे कोर्ट ने अब स्वीकार कर लिया है। तो शरद पी रेड्डी अब सरकारी गवाह बन गए हैं। आबकारी मामले में जो जांच ईडी कर रही थी उसमें अब शरद पी रेड्डी जो है वो गवाह होंगे। गवाह बनने के बाद कोर्ट ने रेड्डी को सशर्त माफी भी दे दी है। ईडी ने पहले रेड्डी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। रेड्डी को साउथ लॉबी का हिस्सा बताया गया था। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आ रही है, जिसमें हम जानते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जो हैं वो भी इस वक्त जेल में हैं और उनको उनकी जमानत भी हाल ही में रद्द हुई है। और यहाँ पर अब शरद पी रेड्डी को लेकर खबर आ रही है कि वो सरकारी गवाह बन गए हैं और गवाह बनने की याचिका जो है वो उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। तो ऐसे में आबकारी मामले में जो जांच ईडी कर रही थी उसमें अब शरद पी रेड्डी को गवाह बना दिया गया है और उसके बाद कोर्ट ने रेड्डी को अब सशर्त माफी भी दे दी है, क्योंकि इस तरह का प्रावधान है कि गवाह बनने के बाद उन्हें माफ कर दिया गया है। और ईडी ने पहले रेड्डी के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें रेड्डी को साउथ लॉबी का हिस्सा बताया गया था।